नौवीं नशस्त में आपका इस्तबाल है गुज्त नशस्त में हम आपको ये बता रहे थे कि जहन्नमी जहन्नम के अजाब से परेशान हो जाएंगे, कोई भागने का रास्ता नहीं होगा तो वो किस तरह से आपस में एक दूसरे से बहसों बहसा करेंगे अपने पीरों और मुतबयीन से जिनके पीछे ज़िंदगी भर चलते रहे उनसे बहसों बहसा करेंगे फ़रिश्तों से बातचीत करेंगे इसी तरीके से जन्नतियों से बातचीत करेंगे मज़ीद जो है कुछ बातें इस तालुक से आपके सामने रखना चाहते हैं कि जहन्नमी अल्लाह तबार को भी जहन्नमियों बात से बातचीत करेगा और उनसे गुफ्तगू करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है सूरतमिन आयत नंबर एक सौ पाँच से लेकर के आयत नंबर एक सौ पंद्रह तक अलम तकुन आयाती तुतकुम फ़कुन तुम बिहा तो अल्लाह जहन्नमियों से कहेगा क्या तुम्हारे ऊपर हमारी आयतें नहीं पढ़ी जाती थीं क्या तुम्हारे ऊपर हमारी आयतें नहीं तलाव की जाती थीं क्या तुमको हक नहीं बताया जाता था तुम उसको झुटलाते थे कालू रब ना गल बता शिक्क वतुना वखुन्ना कौमंदीन कहेंगे हमारे रब हम पर बदब्ती गालिब आ गई थी और हम गुमराह कौम थे रब ना अखरिजना अयमारे रब हमको इस जहन्नम से निकाल दे आखिरज ना मिना फ़ाइन उद ना फ़ाइन ना िमुन अगर हम दोबारा वही गलत काम करेंगे तो हम िम होंगे ये जहन्नमी अल्लाह रबुलज़त से दरख्वास्त करेंगे कि अल्लाह हमें जहन्नम से निकाल दे एक मौका दे दे अगर हम जाके फिर गलत काम करेंगे तो हम िम होंगे का कल फ़ी हा वला तो अल्ला फरमाएगा जलीलो रसुआ होकर के उसमें पड़े रहो और बात मत करो किसी बात की तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी तुमको बार बार तमबीख दी जाती थी तुमको बार बार होशियार किया जाता था कि देखो यही ज़िंदगी है इस ज़िंदगी के बाद फिर मौका नहीं मिलेगा तुम मजाक उड़ाते थे तुम एराज करते थे तुम मुँह मोड़ते थे अल्लाह ने फरमाया इन नहु फ़रीक़ुमिन बदी यक़ूलू ना रब ना आमन ना फ़क्ना वर हमना व अन अल्लाह कहेंगे हमारे बंदों में से कुछ बंदे ऐसे थे जो कहते थे अल्लाह ताली पर ईमान लाते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि अल्लाह हम ईमान लाए हैं तो हमको बख्श दे हम पर रहम फरमा और तो सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है फत तखस तुम हम सखरिया तुमने उनको मजाक बना लिया था अहले ईमान का मजाक उड़ाते थे तुम खुद ईमान नहीं लाए तो नहीं लाए वो एक अलग चीज़ है ईमान ना लाकर कहले ईमान का मजाक उड़ाते थे उनकी तौहीद का मजाक उनके रसूल का मजाक उनकी किताबों का मजाक उनकी नमाजों का मजाक उनके दीन का मजाक उनके शरीयत का मजाक उनकी तहजीब का मजाक फत खस्तु मोहमसो ज़िक्री मजाक उड़ाते उड़ाते इतने तुम्हारे दिल सख्त हो गए कि हमारे जिक्र से तुम गाफिल हो गए वकुन तुम मिन हम तज हकुन और तुम्हे ईमान से हंसते थे इन्नी जजईत हम बीमा सबरु अन नम्फाज़ून सुन लो आज के दिन हमने बदला दे दिया है कि आज के दिन वही लोग कामयाब होने वाले हैं जिनका तुम मजाक उड़ाते थे कालकम लबिस तुम फिलदासी अल्लाह कहेगा ज़मीन में कितने साल तक तुम रहे जमीन में कितने साल तक जिंदा रहे कालू लबितना यौमन औबाद फसल आदीन कहेंगे अल्लाह हम एक दिन या कुछ दिन का कुछ हिस्सा रहे तो शुमार करने वालों से पूछ ले खलाबिस तुम अलिल्कुमकुन तुम तामलून अल्ला फरमाएँगे तुम बहुत कम मद्दत रहे बिला शिको शुबा यही तो समझाया जाता था कि दुनिया एक कम मदत की ज़िंदगी है और जगह है चंद दिनों में तुमको इस दुनिया से रुखत होना है तैयारी कर लो तुम बहुत कम ठहरे अगर तुमको मालूम है अफा हसब तुम अन्न खलक नाकुम अब असन्कुमिल क्या तुम गुमान करते हो कि हमने तुमको बेकार पैदा किया है और तुम्हारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे तो अल्लाह तबार को ताला का यह मुकालमा और अल्लाह तुफ्तु जहन्नमियों को बतौर सर्दनश के लिए है और बतौर उनकी जिलत और अल्लाह ने तफसी से बयान फरमाया इसी तरीके से सूरत में अल्लाह तयत नंबर तीस इकतीस में वलौ तरा उकिफू अला जब आप मंजर देखेंगे जब उन्हें उनके रब के पास खड़ा कर दिया जाएगा कहेगा क्या ये हक नहीं है जहन्नम का इनकार करते थे जन्नत का इनकार करते थे आखिरत के इनका इनकार करते थे आखिर आज आखिरत के दिन में आए आखिर कयामत कायम हुई आखिर जहन्नम तुम्हारे सामने है जन्नत तुम्हारे सामने है क्या हक नहीं है कालुबला वबिना कहेंगे क्यों नहीं हमारे रब

उस पर अफ़सोस करेंगे अहम यहामज़ार रहीम और अपने गुनाहों का बोझ अपने पीठों पर लादे होंगे अला सामाया जरून अल्लाह फरमाते हैं कितना बुरा है वह बोझ जिसको वो लादे हुए हैं तो जहन्नमियों से अल्लाह तबारक तआला उनकी सदनश के लिए उनकी ज़िल्लत और रुसवाई के लिए बातचीत करेगा इसी तरीके से जहन्नमी जिनको अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे, थे अल्लाह उनसे भी बात करेगा कोई ईसा तो ईसास्लाम की बात करता है कोई मोहम्मद वसल्लम की इबादत करता है कोई जिनों और शयातिन की बात करता है अल्लाह तबारक उनसे जो है बात करेगा कि क्या तुमने जो है इनसे कहा था कि तुम्हारी बात करें अल्लाह ने फरमाया फरमा शुरू वमायबुदून और अल्लाह ताली जब उन्हें क्यामत के दिन जमा करेगा और उन सारे लोगों को जमा करेगा जिनकी वो अल्लाह के अलावा इबात करते थे फैयाकुल तो अल्लाह ताली कहेगा अन तुम अजल तुम इबादी हा दल्लु सबील क्या हमारे इन बंदों को तुमने गुमराह किया है या खुद गुमराह हो गए हैं अल्लाह उनसे पूछेगा तुमने गुमराह किया है तुमने इनसे कहा था कि तुम्हारे सामने सर झुकाएं तुमने इनसे कहा तुम्हारी इबादत करें कालोसबहान का कहेंगे तेरी ज़ात पाक है माँ खा नियम बगी हमारे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं था कि ए ला, तेरे अलावा हम किसी को वली बनाएँ केरे अलावा किसी को वली बनाए मुमकिन नहीं था वाकिन माताम लेकिन अल्लाह तो उन्हें उन्हें दुनिया में सादो सामान दिया तो उन्हें उन्हें मानो दौलत दी यहाँ तक कि उनके आबा और आबाजा को भी दिया यहाँ तक कि ये जिक्र को भूल गए शरीयत को भूल गए तुझको भूल गए तकबर करने लगे व कानु कौमन बूरा और यह हलाक होने वाली कौम थी सूरत फ़ुर्कान आयत नंबर सत्रह और अठारह में इसी तरीके से अल्लाह तबार व तआला जहले जहन्नम से गुफ्तगू करेगा इसी तरीके से अल्लाह तआला उन लोगों से करेगा जिनकी अहल जहनमी बात करते थे इसी तरह से अहले जहन्नम अपने जिस्म के आज़ा से गुफ्तू करेंगे अहले जहन्नम फरिश्तों से गुफ्तु करेंगे जन्नतियों से गुफ्तु करेंगे अल्लाह से गुफ्तु करेंगे अपने पीरों से गुफ्तु करेंगे आपस में एक दूसरे से गुफ्तु करेंगे तो करेंगे जहन्नमी इतने परेशान हुए होंगे और इतने टेंशन में रहे होंगे कि ये अपने जिस्म के आजा से गुफू करेंगे चुनान अल्लाह ने फरमाया फरमायादा फहमाउन जिस दिन अल्लाह के दुश्मनों को आग की तरफ जमा किया जाएगा तो उन्हें सब बस खड़ा किया जाएगा हत इदा ऊ है शहीद अलहिम समो हम व अबसारु हम व जुलूद हम बीमा खान या मलून यहाँ तक कि जब वहां आ जाएंगे तो उनके खिलाफ उनका कान गवाही देगा उनके खिलाफ उनकी आंख गवाही देगी उनके खिलाफ उनकी खाल गवाही देगी उनके जिस्म के आजा आजा गवाही देंगे जो वो करते थे वो बताएंगे वालीम लीमा शाहिद तुम अलैना जब उन्हीं के खिलाफ उनका कान गवाही देगा और उन्हीं के खिलाफ उनकी आंख गवाही देगी उन्हीं के खिलाफ उनका जो है क्या नाम है उनके ख़ाल उनका बदन गवाही देगा तो कहेंगे अपने खाल से कि तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी तुमने हमारे बारे में अल्लाह को क्यों बताया काल्लांतुल्ला शई कहेंगे ये खाल ये आजा कि अल्लाह ने ही हमको बोलने की ताकत दी जिसने हर चीज़ को बोलने की ताकत दी वह खलकु अबोला मर्रा पहली मरतबा उसी ने तुमको पैदा किया वह इले ही तुर्जाउन और उसी की तरफ तुम लौट कर जाने वाले हो सुर हामीम सजदा आयत नंबर उन्नीस बीस और इक्कीस में इसी तरीके से अहिल जहन्नम से इबलीस भी बात करेगा अहले जहन्नम से इब्लिस की भी बातचीत होगी क्या बातचीत होगी कारिने के उसको मुराहजा फरमाए किस तरह से आज अब्लीस लोगों को कुफ की तरफ ले जाता है तो किस तरह से जहन्नम की तरफ ले जाता है किस तरीके से नेकियों के रास्ते से हटाने की कोशिश करता है मगर कल क़यामत के निय बारत का इजहार करेगा वक़ाल शैतान लम्हादरुन व आदकु आदल व आख लफम और शैतान कहेगा जब फैसला हो जाएगा मामलत का या जन्ती जन्नत में जहन्नम में जहन्नम में तो शैतान कहेगा कि अल्लाह ने तुमसे हक का वादा किया और मैंने तुमसे वादा किया तो वादा की खिलाफी की मैं तुमसे कहता था हमारे साथ आओ तुमको जन्नत मिलेगी हमारे साथ आओ तुम्हें कोई अजाब नहीं पहुंचेगा तो मैंने वादा खिलाफी की वह माखान अली आल मिन सुल्तान और याद रखना मेरे पास कोई ताकत नहीं थी मेरे पास तुम्हारे पर कोई कंट्रोल नहीं था सिवाय इसके दाव फस्त जब तुम ली मैंने तुमको पुकारा मैंने तुमको बुलाया तो तुमने मेरी पुकार को कबूल कर लिया फ़ला तलुमूनी तो मुझे मलामत ना करो वलूम अनफुसकुम अपने आप को मलामत करो मा बसरखी कम मैं तुम्हारे काम कुछ नहीं आ सकता और तु, माँ तुम मुशरखी और ना तुम्हारे काम आ सकते हो ना तुम हमारे लिए सीख सकते हो ना मैं तुम्हारे लिए सीख सकता हूँ ना तुम्हारी मदद कर सकते हो ना मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इन्नी कफर तुम्हें मिन कबल मैं इनकार करता हूँ उससे जो तुमने मुझे शरीक ठहराया अल्लाह ताला का इससे अइन तबलिमी अलीम याद रखो जालिमों को दर्दनाक कजाब है साफ कहता है मैं इनकार करता हूँ जो तुमने मुझे शरीक ठहराया जो तुमने मेरी बातों को माना मैं आज उससे पीछे हटता हूँ अल्लाह ब ने फरमाया जालिमों के लिए क़ज़ाब है सैर इब्राहिम की आयत नंबर बाईस है के राम, ये तो बात हो गई अहल जहन्नम का मकालमा करने और बातचीत करने और हर एक से परेशान होकर के गुफ्तू करने के तालक़ से आइए इस नशस्त में एक चीज़ और हम और जाने, कि अहले जहन्म किस तरीके से जहन्म में अफसोस करेंगे किस तरीके से उनकी हसरतें होंगी किस तरीके से ये नादम होंगे किस तरीके से ये पछताएंगे, किस तरीके से ये शर्मिंदा होंगे और अल्लाह तबार को से इस बात का मुतालबा करेंगे कि अल्लाह तो दुनिया में एक मौका के लिए मुझे भेज दे एक मौका के लिए दुनिया में दोबारा जाने दे किस तरीके से कसरत करेंगे अफसोस करेंगे अल्लाह रबुल्दी फरमा कदम तो लया थी मु जहन्नम को लाया जाएगा और उस दिन इंसान नसीहत हासिल करेगा मगर उसको नसीहत हासिल करना कहाँ है नसीहत हासिल करने का सवाल क्या है और कहेगा या लनी कदम तो ले हयाती हाय काश मैंने आखिर जिंदगी के लिए कुछ अमल किया होता हाय काश मैंने कुछ निकियाँ की होती इसी तरीके से सूरे मुल्क में वक़ाल नफ़ी अब शफ बिदम बिह फ फसोक सार वो कहेंगे अगर हम सुने होते हम समझे होते तो आज जहनमियों में से नहीं होते उन्होंने अपने गुनाहों का अतराफ़ किया तो ऐसे जहनम वालों के लिए दूरी है है। इसी तरीके से अल्लाह ने सूरह फरकान आयत नंबर 27 28 29 में फरमाया वयौमा यअद्दुज़्ज़ालिमु अला यदईहि जिस दिन zalim अपने दोनों हाथों को चबाएगा काटेगा हमारे गम और अफसोस और टेंशन के यकूल या लितनी इत्तखततु मार रसूल सबीला कहेगा हाय काश मैंने रसूल सल्लम के साथ रास्ता अपनाया होता मैंने रसूल का तरीका इख्तियार किया होता या वही लता लई तनी लमत तखिर फलाना खलीला हाय काश मैंने फ़ला को दोस्त ना बनाया होता उसने मुझको गुमराह कर दिया उसने मुझको बर्बाद कर दिया और इसी तरीके से लकत अन दी बाद उसने मुझको गुमराह कर दिया के आने के बाद वकान शैतानो दिल इंसान खजूला इंसान को शैतान रसुआ ही करने वाला है इसी तरीके से अल्लाह ने साथ मैयाब उजूम फिनार यकूलून या तना

शरीयत के पैरवी करो दीन पर चलो जो तुम्हारे रब की जाइान से नाजर किया गया उसकी इतवा करो कब इसके कि अचानक अजाब आ जाए और तुम्हें महसूस तक ना हो महसूस तक ना हो एहसास ना कर पाओ अंतुल्सुया हसरत फरतुल्फी जम्बिल्ला उस वक्त कोई शख्स कहेगा कोई इंसान कहेगा हाय अफसोस मैंने जो अल्लाह तबारक वाल के तालुक से कोताही की व लमिन सान और मैं तो मजाक उड़ाने वालों में से था और लखुन तुमिनमुती या उस वक्त ये कहो कि अगर अल्लाह ने मुझे हिदायत दी होती तो मैं मत्कीयो में से हो जाता तो वहाँ अफसोस करने से बेहतर है कि आज दुनिया में तुम उसकी फ़िक्र करो आज दुनिया के ताल्लुक से उसके लिए तैयारी करो आज दुनिया में उसके लिए जो है भाग दौड़ करो तो अल्लाह तबार को ने बयान किया है कि वक्त ना आ जाए कि तुम कहो कि हमने जो अल्लाह ताला के हक़ में कोताही की उस पर अफसोस है हम मजाक उड़ाते थे इस पर अफसोस है हमने अल्लाह तबार को हिदायत देता तो मतियों में से हो जाते ऐसा मौका ना आए इसी तरीके से सुहा आयत नंबर पच्चीस सौ सत्ताईस में ला ने मैया व अमन की ये में पहले अहल ईमान का तस्करा किया है जिनके नाम को उनके दाहिने हाथ में दिया जाएगा अल्लाह तबार को ताला ने फरमाया वहां पर वो बहुत खुश होंगे और लोगों से कहेंगे कि आओ मेरा नाम अमाल पढ़ लो और मेरा नाम अमल देख लो और जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे जबकि इसके मुकाबल जहन्नमियों को जब नाम अमल दिया जाएगा वह अम्मा मन ऊतिया किताबी माल ही जिनके नाम अमाल को उनके बाएँ हाथ में दिया जाएगा फ़ैक़ूल आल तनी लम ऊत किताबिया तो वो कहेंगे हाय काश मुझको मेरा नाम अमल ना दिया गया होता वलम तो अदरी माँ हिसाबिया मुझे अपना हिसाब मालूम ही ना होता मेरा नाम अमल मुझे पता ही नहीं होता तो बहुत अच्छा होता या निलका दिया हाय काश ये मौत फैसला कौन होती यानी उनके कहने का मतलब ये है काश मुझे नाम अमल ना मिलता मैं जानता ही नहीं ये जन्नत और जहन्नम का फैसला ही नहीं होता तो बहुत अच्छा रहता तो नाजर ने क्राम आप देख रहे हैं कि जहन्नमी जहन्नम में अफसोस करेंगे नादिम होंगे शर्मिंदा होंगे इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि आज इंसान नदामत करे आज इंसान शर्मिंदा हो आज इंसान अफसोस करे कि मैं हक़ पर नहीं चल रहा हूँ मुझसे नमाज़ें छूट रही हैं मुझसे फ़ला गुना हो रहा है और वो आज जो है क्या शर्मिंदा होकर के अफसोस करके अपनी ज़िंदगी की असलाह करने की कोशिश करे वरना क़्यामत के दिन जिस तरीके से जहन्नमी अफसोस करेंगे शर्मिंदा होंगे और नदामत का इज़हार करेंगे नादि होंगे उसी तरीके से इंसान को नादिम होना पड़ेगा लेकिन नजरिया कराम इस नदामत का तो कोई फ़ायदा इस अफसोस का कोई फायदा इस मुस्लिम लीग का कोई फायदा क्या उन्हें इसका कोई फायदा मिला अल्लाह ने फरमाया जलील रसुआ होकर उसे पड़े रहो जहाँ भी है नदामत और शर्मली की बात अल्लाह तबारा तौर तो की नदामत कबूल नहीं किया क्योंकि अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी दी है और ये जो उम्र दी है ये इसीलिए दी है कि ताकि हम अल्लाह तबारक के अजाब से बचने के लिए तैयारी करें और अल्लाह तबारक तिन चीज़ों को फ़र्ज़ करार दिया है हम उनको अदा करें और जिन चीज़ों से अल्लाह तक है हराम करार दिया है हम उनसे बचें तो नाजरिन कराम ये बहुत ही अहम जो है वक्त है और बहुत अहम मोड़ है हमारे लिए कि हम इस बात को सोचें कि कल क़यामत के दिन हमें अफसोस ना करना पड़े शर्मिंदगी का इजहार ना करना पड़े और नदामत का इजहार ना करना पड़े इसके बाद नाजिल ने हम आपके सामने जो बात रखना चाहते हैं कि जहन्नम के अजाब को बयान करने के बाद जहन्नम के खानों को बयान करने के बाद अहले जहन्नम के बिस्तर को बयान करने के बाद जहन्नम के सांप और बिछों को बयान करने के बाद आग को बयान करने के बाद वहां के होलाखे को बयान करने के बाद और किस तरीके से जहन्नमी एक दूसरे से बातचीत करेंगे मुख्तलि जहाज से उनके मकाल होंगे इस तरह से इसको बयान करने के बाद के राम हमारे पास एक चीज़ और बयान करना चाहेंगे जिसका ताल्लुक इसी जहन्नम के अजाब से है और वह है अजाब कब्र है अजाब कब्र नाजरीन राम क्या है इसको हम जाने कब्र कहते हैं नाजरेन कलम कि, कि जब बंदा मर जाता है और मरने के बाद इस दुनिया से रुखत हो जाता है जबकि कयामत नहीं आई है और मौत ये छोटी कयामत है इस मरने के बाद वो बरजख़ी ज़िंदगी में जाता है इस बरजखी ज़िंदगी में भी अज़ाब होता है इस बरजखी ज़िंदगी में भी सज़ाएँ होती हैं जो अल्लाह के माहिद बंदे हैं अल्लाह तबारको तै उन्हें नमतों से नवाजता है जो अल्लाह के सच्चे और पक्के बंदे हैं अहले ईमान बंदे हैं अल्लाह ताला उन्हें नेमतों से नवाजता है और जो अल्लाह के साथ कुफ्र करने वाले और शर करने वाले हैं अल्लाह ताला उन्हें अजाब देता है और ये अजाब का सिलसिला यहीं कब्र से ही शुरू हो जाता है इसीलिए कहा जाता है नबी नबीम की हदीस सही साबित है कब्र यह आखरत की सबसे पहली मंजिल है जो मर गया उसकी क़यामत क़ायम हो गई और वो बरज़ी ज़िंदगी में गया नेमतों का सिलसिला शुरू हो गया अजाब का सिलसिला शुरू हो गया इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन सारे कामों से बचें कि जिन कामों की वजह से कब्र के का सामना करना पड़ सकता है वहां पर नबी सला ने कुछ बाद ने बयान फरमाया है कि जब एक बंदे को दफनाया जाता है एक बंदे को दफनाया जाता है और उसके कब्र में उसको रखा जाता है अगर वो बंदा मोमिन होता है तो उसके पास बहुत ही अच्छे खूबसूरत फरिश्ते आते हैं खुशबू के साथ आते हैं और रेशम के कपड़े के साथ आते हैं और वो आने के बाद बंदे को कब्र में उठाते हैं और उठा के बिठाते हैं और उससे तीन सवाल करते हैं अगर बंदा मोमिन है तो तीनों सवाल का जवाब आसानी के साथ दे देता है क्या तीन सवाल होते हैं एक सवाल यह होता है कि तुम्हारा रब कौन है और दूसरा सवाल होता है तुम्हारा दीन क्या है और तीसरा सवाल होता है कि तुम्हारे नबी कौन है ये अल्लाह के नबी अल्सम तो के बारे में पूछा जाता है बंदा मोमिन होता है तो कहता है मेरा रब अल्लाह है मेरा दीन इस्लाम है और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, रसूल हैं और फिर उससे जो है क्या भी, भी पूछा जाता है कि तुमने ये सारी चीज़ें कहाँ से जानी तो कहता है हमने अल्लाह ताला की किताब को पढ़ा उससे हमें इल्म हासिल हुआ लेकिन नदरीन क्राम इसके बर अगर बंदा काफिर होता है नौज़िला अगर मुनाफिक होता है नौज़ बिल्ला तो उसके पास बहुत ही बदसूरत और बदबूदार किस्म के फरिश्ते आते हैं और बदबूदार टाट के साथ आते हैं और बोरी के साथ आते हैं उसकी रूह को उसमें लपेटने के लिए और उसके बाद आते हैं और उसको उठाते हैं बड़ी सख्ती से उसको उठाते हैं और उठाने के बाद उससे सवाल करते हैं यही तीन सवाल किया जाता है चूँकि मुनाफिक था चूँकि काफिर था इसलिए उसको कुछ मालूम नहीं था जब वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा रब कौन है तो कहते हा, हा ला अदरी मुझे नहीं मालूम है मैं नहीं जानता हूँ मुझे कुछ नहीं पता है ऐसे लोग कहते रहे मैं भी कहता रहा फिर सवाल होता है तुम्हारा दीन क्या है तो कहता है हा हा लादरी मुझे नहीं मालूम है ऐसे लोग कहते रहे मैं भी कहता रहा फिर पूछा जाता है कि इस आदमी के बारे में तुम्हारा अकीदा क्या है कहते हैं हा हा लादरी मैं नहीं जानता हूँ इस तरीके से वो जवाब देता है फिर उसके बाद उसकी कब्र को तंग कर दिया जाता है यहाँ तक कि कब्र इतनी तंग हो जाती है कि उसकी इधर की हड्डी पिछली की हड्डी उधर हो जाती है उधर की हड्डी इधर हो जाती है कब्र में पीस जाता है और फिर अजाब का सिलसिला न देने के नाम तो शुरू हो जाता है तो कब्र से ही अजाब का सिलसिला शुरू हो जाता है कब्र से ही नेमतों का सिलसिला शुरू हो जाता है इसलिए कब्र के बारे में भी इंसान को फिक्रमंद होना चाहिए और उसके तालुक़ सोचना चाहिए कि क़ब्र के अजाब से महफूज रहे उससे हिफाजत की दुआ करनी चाहिए और वो बुराइयां और वो काम और वो गलतियां जैसे कि पेशाब के छीटे से ना बचना और करना चुगलखोरी करना कुफ़्र करना शिर करना और नमाजें ना पढ़ना इन सारी बुराइयों से अपने आप को दूर रखना चाहिए क्योंकि ये अजाब कब्र की तरफ ले जाते हैं तो अजाब कब्र भी जहन्नम के अजाब का एक सिलसिला है और एक हिस्सा है क्योंकि कब्र जो है आखिरत की सबसे पहली मंजिल है अल्लाह तबार को ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अजाब कब्र से अजाब जहन्नम से महफूद रखे आजमा इंदी अल्लाह अला मुहम्मद व वसलम तस्लीमन कथीरा